हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन नेवी अंडरटुक द सेकेंड एडिशन ऑफ द बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड वियतनाम पीपल्स नेवी INVPN बायलेट एक्स एट और ऑफ कैम रन बे वियतनाम। भारत ने ऑफ कैम रन बे वियतनाम में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी INVPN बिलाट एक्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण पूर्ण शुरू किया है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा एट ए सेरेमनी हेल्ड एट नेवल जेटी एट द डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वीरा थर्ड इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेजल ऑफ द कोस्ट गार्ड वाज बिल्ट बाय LNT एट इट्स शिप बिल्डिंग फैसिलिटी एट कट्टुपल्ली इन चेन्नई। थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉकयार्ड के नेवल जेट्टी में आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा का अनावरण किया। तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा वीरा LNT द्वारा चेन्नई के कट्टुपल्ली में अपने जहाज निर्माण की सुविधा पर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। गूगल हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर इन घानाज कैपिटल एक्रा 1 ईयर आफ्टर अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट। गूगल ने परियोजना की घोषणा करने के 1 वर्ष बाद घाना की राजधानी अक्रा में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र खोला है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक हैव टुगेदर लॉन्च ए प्राइवेट ब्लॉकचेन विद स्यूडो टोकन द नियो टोकन कॉल्ड लर्निंग कॉइन एंड ओनली एसेसिबल विद इन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैज ए पर्पज टू टीच रिलेवेंट इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट ब्लॉकचेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने मिलकर एक सूडो टोकन के साथ एक निजी ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। नया टोकन जिसे लर्निंग कॉइन कहा जाता है और केवल IMF और विश्व बैंक में सुलभ है, उसका उद्देश्य संगठनों के भीतर प्रासंगिक व्यक्तियों को ब्लॉकचेन के बारे में सिखाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस क्लाइंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर डिजाइनिंग लैंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेसेस। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB को डिजाइनिंग लैंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस के लिए वित्तीय समावेशन की श्रेणी में प्रतिष्ठित क्लेट मॉडल बैंक 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक, बैंकिंग व्यवसाय और अर्थव्यवस्था समाचारों की। बंधन बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ अमलगेशन ऑफ ग्रह फाइनेंस विद द बैंक। बंधन बैंक को गृह फाइनेंस के साथ समामेलन की प्रस्तावित योजना के लिए भारतीय वित्त आयोग से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, IDBI बैंक हैज लॉन्च्ड NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर NRIs रेसिडिंग इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज।
आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सदस्य देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट, इंडिया वाज ए नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील ड्यूरिंग द 2018-19 फिस्कल ईयर द फर्स्ट टाइम इन 3 years एज द कंट्री लॉस्ट मार्केट शेयर अमोंग इट्स ट्रेडिशनल स्टील बायर्स एंड इम्पोर्ट्स जंप्ड ऑन डिमांड फॉर हायर क्वालिटी स्टील डोमेस्टिकली। भारत 3 वर्ष में पहली बार 2018-19 के वित्तीय वर्ष के दौरान स्टील का शुद्ध आयातक था। यह देश के अपने पारंपरिक स्टील खरीदारों के बीच बाजार में हिस्सेदारी समाप्त करने और घरेलू स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की मांग में आयात में वृद्धि करने के कारण हुआ है। नेक्स्ट, एडीबी कमिटेड टू प्रोवाइड $3 billion इन सोवेरियन लोन्स टू इंडिया इन 2018, द हाईएस्ट लेवल ऑफ असिस्टेंस साइंस सोवेरियन ऑपरेशंस बिगेन इन द कंट्री इन 1986, स्टेट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी। एडीबी ने 2018 में भारत को संपूर्ण ऋणों के रूप में $3 billion प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। बहुपक्षीय उधार एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 1986 में देश में संप्रभु संचालन शुरू होने के बाद से सहायता का उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट, एसीआई वर्ल्डवाइड ए ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड बैंकिंग सॉल्यूशंस अनाउंस्ड दैट कैनरा बैंक हैज सक्सेसफुली रोल्ड आउट मेजर न्यू फंक्शनलिटी टू सपोर्ट EMW कार्ड एक्वायरिंग अक्रॉस इट्स ATM नेटवर्क एंड आधार ऑथेंटिकेशन लेवरिंग ACI's UPI रिटेल पेमेंट्स सॉल्यूशन टू अचीव मार्केट फर्स्ट। वास्तविक समय के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और बैंकिंग समाधानों का वैश्विक प्रदाता ACI वर्ल्डवाइड ने घोषणा की है कि कैनरा बैंक ने अपने ATM नेटवर्क और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त EMV कार्ड समर्थन करने के लिए प्रमुख नई कार्यक्षमता को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह ACI के UPI पेमेंट समाधान का लाभ उठाते हुए बाजार में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियों की। इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर टीम कैप्टन मिथाली राज हैज बीन नेम्ड द गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीम इंडिया एट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। मिथाली जॉइंस IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स एंड फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली इन सपोर्टिंग द टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। मिताली IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ टीम का समर्थन करती है। और नेक्स्ट लास्ट न्यूज है, फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैज अपॉइंटेड मोहम्मद इस्तियास एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद इस्तियास विल सक्सेस रामी हमदल्ला। फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद इस्तियाह को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मोहम्मद इस्तियाह रामी हमदल्ला का स्थान लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कॉम्पिटिशन चैनल और ऑल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।